हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रीत किचन में बनाएंगे नान खटाई, जो बनाने में बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी रेसिपी है। इसे जब आप बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि बेकरी से भी अच्छी नान खटाई आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। और पहले मैं आपको नान खटाई दिखाती हूँ और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, ये देखिए। और इस तरह इसके अंदर सारी जाली से बनी हुई है। तो फिर बनाना शुरू करते हैं अपनी नान खटाई। चलिए फ्रेंड्स, अपनी नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप जिस कटोरी से अपने मैदे को नापेंगे उसी कटोरी से अपने हाफ लेंगे बेसन लेंगे, और 1/3 कप हम लेंगे घी और कटा हुआ पिस्ता, और इसी के साथ 1/4 कप सूजी लेंगे। और इस नान खटाई में मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और सबसे पहले हम लेंगे घी। घी आपने जमा हुआ ही लेना है, और अगर आपका घी थोड़ा सा सॉफ्ट है, मतलब इतना होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए घी। और इसी के साथ मैं डालूँगी चीनी, और इस तरह अब हमने घी और चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करते करते हमने इसको अच्छा फ्लफी सा बनाना है। और 10 मिनट हो चुके हैं अपने बैटर को हिलाते हुए, ये देखिए कितना फ्लफी सा हो गया है। और इसी तरह ही हमारा बैटर होना चाहिए, और इसमें कितनी सारी हवा भर गई है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, पहले डालेंगे 1 कप मैदा, और जो भी हमने सामान लेना वो सब कुछ छान के ही लेना है। और इसे हम छानेंगे इस तरह, और उसके बाद हम लेंगे, पहले हमने मैदा लिया, अब मैं डालूंगी बेसन। और यहाँ पर मैंने आपको जो चीनी बताई है वो मैंने पिसी हुई ली है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताए थे, मैंने यही कहा था कि इसमें चीनी डालनी है, पर जो चीनी का यूज़ है वो मैंने पिसी हुई चीनी ली है। और बेसन और मैदे को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब हम इसके अंदर डालेंगे सूजी। और चुटकी भर में डालूंगी यहाँ पर नमक, और 1/2 टीस्पून डालूंगे बेकिंग सोडा, और 1 टेबल स्पून डालूँ मैं बेकिंग पाउडर, और लास्ट में डालूंगी 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर। और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम हाथों से इस तरह अपने आटे को इकट्ठा करेंगे, लेकिन आपने जो करना है इकट्ठा वो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे करना है। और आटा हमारा एकदम अच्छे से इकट्ठा हो गया, और अब हम इसको रखेंगे 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में, क्योंकि आटा हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, और इसे मैंने फ्रिज में से निकाल लिए, और आटा हमारा एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हम अपने इस तरह नान खटाई बनाएंगे। और सबसे पहले हमने इस तरह का स्पून लेना, ये मोस्टली घरों में होता ही है, और इस तरह हम लेंगे इससे स्पून। हमने इसलिए लेना है ताकि जो हमारी नान खटाई है वो सारी इक्वल सी बने, और इस तरह हमने एक हाथ से बनानी है। और ये देखिए, ये मैंने सारी नान खटाई बना ली है, ये जो लड्डू की तरह लग रहे हैं। और अगर आपके पास ये बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप इसे स्टील की प्लेट में नीचे आपने इस तरह हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा देंगे, और सबके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा दिए। आपने इसे कुछ दूरी पर ही रखना है, क्योंकि ये फैल कर बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और अपनी नान खटाई पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। हम नान खटाई को बनाएंगे विदाउट ओवन, लेकिन अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है, और कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाला, और इसके अंदर स्टैंड रखा, और कढ़ाई को मैंने पहले प्री हीट कर लिया था। और इसके अंदर हम अपनी नान खटाई रखेंगे, और अब हम इसको ऊपर से एक तरह इस तरह ढक देंगे, और अपनी नान खटाई को हम बेक करेंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। अगर आप OTGA या ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप इसे 180 डिग्री के ऊपर आप इसे 15 से 17 मिनट तक बेक कर सकते हैं। आप कढ़ाई में कीजिए या OTGA में कीजिए, दोनों में ही अच्छे से बेक होती है। और 20 मिनट हो गए, और अब हम अपनी नान खटाई को चेक करते हैं इस तरह, और इसे मैं आराम से बाहर निकालूंगी। और नान खटाई को मैंने एक ट्रे में शिफ्ट कर लिया है, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और ये देखिए कितनी अच्छी बेक हुई है। ये देखिए, ये दोनों साइड से बेक हुई हैं, और ये जितनी टेस्टी लग रही खाने में, और ये जितनी सुंदर लग रही है खाने में उतनी टेस्टी हैं। तो
तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। एंजॉय।